हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन किड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मीन्स ये है कि जो भी एनिमल्स है वो अपने बच्चे देते हैं और वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो अपने एक बच्चे देते हैं और वही बच्चे बड़े होके बड़े जानवर बन जाते हैं। ठीक है, जानवर बन जाते हैं या ह्यूमन बींग के हैं तो बच्चे हो जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिसको हम किड्स बोल रहे हैं, वो कैटरपिलर हो सकते हैं, बेबी हो सकते हैं, बेबी रैबिट हो सकते हैं, किटन हो सकते हैं, टीनी चिक्स हो सकते हैं, गाय के बछड़े हो सकते हैं, कुत्ते के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मतलब कि एनिमल्स के खुद के बच्चे होना और वो उन बच्चों को पालते हैं, बड़े करते हैं और फिर वो आगे चल के बड़े हो जाते हैं। हम जैसे कि कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे रैबिट्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी किटन्स चिक्स जो बछड़े होते हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। हम कई बार उनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो अलग नहीं होते, वापस जाके वो उनकी मम्मी के पास ही रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर उनकी माँ उनके साथ अगर नहीं होगी तो क्या वो बच्चे जी पाएंगे? तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उन बच्चों को सबसे ज़्यादा मिल्क की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, मिल्क की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो उन्हें उनकी माँ से मिलता है, तभी बच्चे स्ट्रांग होते हैं और फिर स्ट्रांग होने के बाद वो बड़े होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स बच्चे होना और धीरे धीरे करके ये बड़े होते हैं। अब हम देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। क्या हमेशा रिप्रोडक्शन में सिर्फ बच्चे ही होते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं या कुछ अंडे भी देते हैं? तो हम देखते हैं ये रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है। कुछ एनिमल्स जो है वो डायरेक्ट बेबीज देते हैं, बेबीज यानी बच्चा। ठीक है, और कुछ है जो एनिमल एग लेइंग यानी अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। कुत्ते के बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, हाथी के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बच्चे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं। ठीक है, और इनको जो देने वाले होते हैं, ठीक है, उनको हम मैमल्स बोलते हैं, मैमल्स। अभी मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो होते हैं कि वो पहले तो क्या करें, वो पहले तो एक बेबी दे, ठीक है, फिर उसको मिल्क भी दे, दूध पिला उनको। ठीक है, उसके बाद वो उनका पालन पोषण अच्छे से करें। ठीक है, ये तीन चीज़ इसमें आ जाती है। मैमल्स वो होते हैं जो बेबी देते हैं, मिल्क पिलाते हैं, वो माँ अपने बच्चों को मिल्क पिलाती है, उसके बाद ये इनका पालन पोषण करती है। ये किस टाइप के होते हैं? जैसे कि डॉग, ठीक है, कैट, काउस, जेब्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल है, एलिफेंट, मंकी, रैबिट्स। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल है मैमल्स के। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो बेबी देते हैं और फिर अपने बच्चों को मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उनका पालन पोषण भी करते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक वो डायरेक्ट बेबीज देते हैं और या तो फिर वो अंडे के थ्रू होता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि मैमल्स किसको बोलते हैं? मैमल्स उन्हें बोलते हैं जो बच्चे देते हैं, बच्चे देने के बाद माँ अपने बच्चों को
दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण करती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, एलिफेंट, डॉग, कैट, काउस, ठीक है। अब अंडे देने की हम बात करते हैं। अंडे देने में बर्ड्स बर्ड्स अंडे देते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। बर्ड्स में कौन कौन से, बर्ड्स भी बहुत टाइप की होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बर्ड, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, फिश, ठीक है, फ्रॉग, फिश, ये सब चीज़ अंडे देने वाली होती है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ जो देते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं, और डॉग, कैट, काउस, जेब्रा, ये सब मैमल्स होते हैं। यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने देखा है कि मैमल्स जो होते हैं वो बेबीज देते हैं, वो उसको हम मैमल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे वेल और डॉल्फिन दो एनिमल है जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। अब वाटर में रहते हैं, इनके पहली बात तो ये हेयर नहीं होते, ये मैमल्स कहलाते हैं। ये क्यों मैमल्स कहलाते हैं? क्योंकि ये सीधे बेबी देते हैं, बच्चे देते हैं, ये सीधे बेबीज, ठीक है। वेल और डॉल्फिन, वेल भी बेबी देता है, डॉल्फिन भी बेबी देता है। वैसे ही हम देखते हैं बैट, चमगादड़। चमगादड़ हमको पक्षी जैसा लगता है लेकिन वो भी एक मैमल्स है, ठीक है, वो भी एक मैमल्स ही होता है, वो भी बच्चे देता है, दूध पिलाता है और पालन पोषण करता है, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्ट हमने बता दिया कि वेल और डॉल्फिन भी मैमल्स ही है, वो भी बच्चे देती है, बैट जो है वो भी बच्चे देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग, एग की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा एग किस पक्षी का होता है और सबसे बड़ा एग किस पक्षी का होता है? तो सबसे छोटा एग जो होता है वो हेमिंग बर्ड का होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो एग होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि सबसे छोटा एग किस पक्षी का होता है और सबसे बड़ा एग किस पक्षी का होता है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ एक साइड का पोर्शन देखा है रिप्रोडक्शन मैमल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग जो देते हैं जैसे फ्रॉग, फिश, ठीक है, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया है रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके।